रणवीर कपूर स्टारर साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। खास बात तो यह है कि रणवीर कपूर ने अपनी हालिया रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। एनिमल को फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। अब खबर है कि रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस का इतिहास रच दिया है। तो चलिए यहाँ जानते हैं कि फिल्म ने पहले दिन कितने करोड़ के साथ खाता खोला है। कबीर सिंह फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी बांगा के निर्देशन में बनी एनिमल का रणबीर कपूर के फैंस के बीच शुरुआत से ही बज रहा है तांता, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म रिलीज के पहले दिन जबरदस्त कमाई करने वाली है और कई बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। एडवांस बुकिंग के मामले में भी फिल्म ने कमाल कर दिखाया है और अब रिलीज के पहले दिन भी इसने बवाल काट दिया है। गौरतलब है रणबीर कपूर स्टार एनिमल ने रिलीज के पहले दिन ही 61 करोड़ कलेक्शन किया है। इसमें फिल्म के हिंदी वर्जन ने 50 करोड़ और तेलुगु में फिल्म ने 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके अलावा फिल्म के तमिल, मलयालम और कन्नड़ वर्जन ने मिलकर 1 करोड़ कलेक्ट किया है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए हैं। इसी के साथ एनिमल रणबीर कपूर के करियर की बिगेस्ट ओपनर भी बन गई है। इसके पहले ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने ओपनिंग डे पर 36 करोड़ कलेक्ट किए थे और संजू ने 34.75 करोड़ का कलेक्शन करके खाता खोला था।